सो हे गाइस, वेलकम टू द डे 3 ऑफ 90 डेज स्टडी व्लॉग चैलेंज। तो आज मैं सुबह जल्दी 2 बजे उठ जाता हूँ और अपने आप को कैमरे में देखकर मोटिवेट करता हूँ। उसके बाद मैं चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ और उतर के खिड़की में देखता हूँ कि पुराने वाला कोलगेट हो चुका है ख़त्म। तो इसलिए मैं डब्बे से नया कोलगेट निकालता हूँ और फिर उससे करने लगता हूँ ब्रश। ब्रश करने के बाद टूथपेस्ट और ब्रश को रखता हूँ खिड़की में और मैं चला जाता हूँ सीढ़ियों से ऊपर। ऊपर जाकर देखता हूँ कि कल मैं टू डू लिस्ट बनाना भूल गया था, इसलिए मैं उस टू डू लिस्ट को नोट डाउन करता हूँ और उसके बाद आज की टू डू लिस्ट बनाने लगता हूँ। कल के टास्क में मैंने 3 क्लासेस कम्प्लीट की थी और 6 घंटे का किया था रिविजन, और सुबह सुबह रिविजन इतना प्रोडक्टिव हुआ कि मैंने 6 घंटे में 8 घंटे की टारगेट कम्प्लीट कर लिया। और आज की टू डू लिस्ट में मैंने कल वाली 3 क्लासेस लिखी है जो मुझसे मिस हो गई थी, और उसके बाद आज की 6 क्लासेस है ही, और उसके बाद मैं करूँगा 4 घंटे रिवीजन। तो इस प्रकार आज की टू डू लिस्ट है, देखते हैं कितनी कंप्लीट होती है। मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। उसके बाद मैं देखता हूँ स्प्रिंग बोर्ड में नो डाटा फाउंड वाली प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं क्लासेस कर देता हूँ स्किप और करता हूँ रिवीजन स्लॉट को स्टार्ट। यह स्लॉट 2:30 बजे स्टार्ट होता है और इस स्लॉट में कर रहा हूँ मैं फिजिकल ज्योग्राफी का रिवीजन। इस स्लॉट के ख़त्म होने के बाद मैं फिर से ओपन करता हूँ स्प्रिंग बोर्ड ऐप, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती है, इसलिए मैं फिर से जो कल पढ़ा था उसका रिवीजन करने लग जाता हूँ। इस स्लॉट के ख़त्म होने के बाद मैं फिर से ट्राई करता हूँ स्प्रिंग बोर्ड ऐप में, लेकिन वही समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो गाइज, मरता क्या नहीं करता, इसलिए मैं टाइम वेस्ट न करते हुए फिर से कर देता हूँ रिवीजन स्लॉट की शुरुआत। और इस स्लॉट में मैं लेता हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर को। मेरे लिए गाइज मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट टाइम है पढ़ने के लिए। इससे पहले मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में कभी भी लेखक और लेखकों की बुक्स के नाम याद नहीं कर पाया, लेकिन आज इस घंटे में मैंने मतलब इतनी आसानी से लेखक और बुक्स के नाम याद किए कि 1 घंटे में 50 लेखक और उनकी सारी बुक्स याद हो गई। इस प्रकार रिवीजन स्लॉट एक 3 घंटे के रिवीजन सेशन में बदल जाता है, और इस सेशन के ख़त्म होने के बाद 5:30 बजे मैं शुरू करता हूँ मेडिटेशन। जैसा कि मैंने 90 दिन तक 21 मिनट तक शांभवी मुद्रा करने का चैलेंज ले रखा है, तो उसको फॉलो करते हुए मैं 21 मिनट तक करता हूँ शांभवी मुद्रा, और उसके बाद 9 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम और प्राणायाम करता हूँ। इस प्रकार मेरा 1/2 घंटे का मेडिटेशन सेशन बन जाता है। मेडिटेशन के बाद भी वह प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है स्प्रिंग बोर्ड ऐप वाली, इसलिए उसके बाद मैं करता हूँ अपने रूम में अपने बेड को मैनेज, जो मैंने बाहर रखा था क्योंकि रात को मैं बाहर सोता हूँ, आपको पता ही होगा, इसलिए बेड को करता हूँ मैनेज। और उसके बाद मैं सो जाता हूँ घोड़े बेचकर, ताकि क्लासेस कम्प्लीट ना हो तो नींद तो कम से कम पूरी हो। अगर दोपहर में समस्या ठीक हो गई तो नींद को करेंगे स्किप और क्लासेस को लेंगे। 2 घंटे बाद 8:30 बजे मेरी खुलती है आँख, और उसके बाद मैं करता हूँ ब्लॉग एडिटिंग जो कि मैंने कल रात को पूरी नहीं की थी। एडिटिंग से पहले मैं चला जाता हूँ नीचे, और नीचे जाकर मग में दूध लेकर और उसको फिनिश करके वापस चला होता हूँ ऊपर, उसके बाद करता हूँ एडिटिंग। 9:30 के आसपास एडिटिंग कम्प्लीट होती है और उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने कपड़े लेकर नहाने। नहाने के बाद रूम में आके कपड़े पहन के मैं चला जाता हूँ सीढ़ियों से नीचे, और नीचे जाकर गंगी करके मैं तुरंत अपना टाइम वेस्ट किए बिना वापस चला आता हूँ ऊपर। उसके बाद 10:30 बजे के आसपास सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है ठीक। स्प्रिंग बोर्ड ओपन करता हूँ और एंशियंट हिस्ट्री की क्लास को करता हूँ स्टार्ट। एंशियंट हिस्ट्री में नरेंद्र सर वैदिक काल के बारे में बता रहे थे, और वैदिक काल में 5 वेद, अरण्यक, उपनिषद आदि के बारे में पढ़ा। इस प्रकार वैदिक काल का थोड़ा सा पोर्शन बच गया था, शायद कल तक वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2nd क्लास में लेता हूँ राजवीर सर की राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लास, जिसमें लेखक और लेखकों की पुस्तकों के बारे में बता रहे थे। आज हमने पढ़ा आधुनिक काल के बारे में, यानी आधुनिक काल में कौन कौन लेखक हुए और उन्होंने कौन सा राजस्थानी साहित्य लिखा, उसके बारे में पढ़ा।
इस क्लास के ख़त्म होने के बाद शुरुआत होती है राजस्थान जियोग्राफी की क्लास की, जो कि पढ़ाते हैं हमें विजय सियाग सर। विजय सियाग सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मतलब जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। इसमें हमने पढ़ा आज माही नदी के बारे में, माही नदी के बाद पढ़ा पश्चिमी बनास के बारे में। इन्होंने नदी तंत्र को इतना ब्रीफ में समझाया कि मतलब अगर क्लास को ढंग से लिया जाए तो उसको मतलब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इस क्लास के ख़त्म होते होते मुझे लगती है जोरदार भूख, फिर मैं चला जाता हूँ नीचे। नीचे जाकर बर्तनों की छानबीन करने के बाद मुझे पता चलता है कि आज सब्जी में बनी है कड़ी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है, और उसके साथ होती है रोटी और उसके साथ होता है दही। आज मैंने पढ़ाई के चक्कर में लंच को कर दिया लेट। लंच करने के बाद मैं चला आता हूँ ऊपर और 3:30 बजे के आसपास मैं करता हूँ फिजिकल जियोग्राफी की क्लास की शुरुआत। इसमें हमने पढ़ा आज ज्वालामुखियों के प्रकार। इस क्लास के ख़त्म होने के बाद मुझे थोड़ा हेडेक फील होता है, इसलिए मैं 4:25 से 4:35 तक 10 मिनट की लेता हूँ पावर नैप के बाद माइंड थोड़ा रिफ्रेश फील होता है। पावर नैप लेने के तुरंत बाद मैं शुरू करता हूँ पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी की क्लास पढ़ाने के लिए आ जाए थे विकास सर जो कि स्प्रिंग बोर्ड यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर पढ़ाते हैं। उन्होंने आज पॉलिटी की क्लास पढ़ाई, जिसमें आज उन्होंने क्लास के साथ साथ अदर ज्ञान थोड़ा दिया, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह, फोन को कैसे कम यूज करना है आदि। इस प्रकार यह क्लास हो गई थी बहुत लंबी, करीब 2.5 घंटे की यह क्लास थी, इसलिए मैंने 2x स्पीड में इसे 1 घंटे के लगभग में फिनिश किया। और मैं इस क्लास को फिनिश करता हूं तब तक बच जाते हैं 6। उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट में अपनी अचीवमेंट को करता हूं क्लिक। टू डू लिस्ट क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ कि इन्वर्टर हो चुका है डिस्चार्ज। गाइस 2 दिन से लाइट नहीं है, इसलिए इन्वर्टर अब 2 दिन में तो डिस्चार्ज होना ही था, इसलिए मैं RGB लाइट सारी बंद कर देता हूँ, पंखा भी बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं 6:15 के आसपास कर देता हूँ शुरू वर्कआउट। कल गाइस इस टाइम आया था CET का रिजल्ट, तो साइट न खुलने के कारण मैंने आपको रिजल्ट नहीं बताया, तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ मेरी CET का रिजल्ट। तो मेरे CET में बने हैं 136 नंबर के आसपास, 136 पॉइंट कुछ ऊपर है, तो परसेंटेज में 40% से तो ऊपर है, लेकिन आप सब में से कईयों से मेरे मार्क्स कम होंगे, क्योंकि मैंने थोड़ा भी नहीं पढ़ा था CET की तैयारी के लिए। पहले मेरे थे BSTC कॉलेज के एग्ज़ाम, और उससे पहले थे मेरे BA कोटा ओपन के एग्ज़ाम, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया था। तो जो आए नंबर तुक्का तंत्र से आए हैं, तो बिना तैयारी एग्ज़ाम जैसा हुआ अच्छा हुआ। अब की बार जोरों शोरों से तैयारी करेंगे और अच्छे नंबर लाएंगे। वर्कआउट के बाद कुछ इस प्रकार की मेरी फीलिंग होती है, मतलब हीरो टाइप, जैसे मैंने ब्लड जीत लिया हो कोई। वर्कआउट के बाद मैं 10-15 मिनट ब्रेक लेता हूँ, और उसमें करता हूँ शॉर्ट एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग, और उसके बाद मटकी भरने जाता हूँ। अपने पानी की मटकी खाली हो गई थी, इसलिए मैं नीचे जाके मटके से पानी भरता हूँ और वापस ऊपर ले आता हूँ। पानी भरने के बाद मैं करता हूँ दिया अगरबत्ती पूजा पाठ वगैरह। गाइज अपने सारे कामों के साथ साथ भगवान को याद करना जरूरी होता है। कोई भगवान को माने या ना माने, मैं तो दिल से भगवान को मानता हूँ। आज हम जो कुछ भी है भगवान की वजह से है, आज हम सांस ले रहे हैं, प्रकृति वगैरह सब कुछ भगवान की वजह से है। इसलिए डेली की 5-10 मिनट भगवान को धन्यवाद देने के लिए पूजा अगरबत्ती में लगाने चाहिए। पूजा अगरबत्ती करने के बाद मेरे भाई ने बनाया था मस्त सा नींबू पानी, और नींबू पानी पीने के बाद मैं फ्रेश सा फील करता हूँ। मतलब इतना अच्छा नींबू पानी था कि मतलब तारीफ करो उतनी कम है। नींबू पानी पीने के बाद मैं ऊपर आके व्लॉग एडिटिंग करता हूँ, और उसके बाद अपना बिस्तर बाहर लगा के थोड़ी देर चलाता हूँ फ़ोन, और उसके बाद मम्मी बुलाती है डिनर के लिए, तो डिनर करके 11 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइज़।